हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, आपकी जो न्यू रिक्रूटमेंट जारी की गई है वह इंटेगरल कोच फैक्ट्री चेन्नई 38 के लिए आपकी वैकेंसी जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यहां देख लीजिए कि आपकी अप्रेंटिस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आप फॉर्म 21/6/2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपके दो टाइप की पोस्ट है वो निकाली गई है। फ्रेशर्स के तौर पर आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं और आप एक्स ITI के तौर पर भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स की आपकी 320 पोस्ट हैं और ITI की आपके यहाँ पे 670 पोस्ट हैं। और इसके साथ ही आपको इसके नोटिफिकेशन बताया हुआ है कि अगर आपने इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा आपने कोई कोर्स कर रखा है तो आप इसके लिए नॉट एप्लीकेबल यहाँ रहने वाले हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आपकी जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, आपकी एज लिमिट है, वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो आपकी एज लिमिट है वो आपकी 15 ईयर यहाँ रहनी चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे बता के रखिए। इसके साथ ही आपकी यहाँ पे एक्स ITI के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन अलग अलग, वो आप यहाँ पे इसके नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। फ्रेशर्स के तौर पर आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसे भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फॉर्म भरने से पहले आप इसकी जो क्वालिफिकेशन है उसको रीड आउट आप जरूर कर लीजिए, इससे आपको इस वैकेंसी के बारे में सारी जानकारी मिल सके। और फ्रेंड्स, के साथ ही सबसे पहले हम इसके जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पे जाएंगे फॉर्म भरने के लिए। पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे जाएंगे। आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक आपको करना होगा फॉर्म भरने के लिए। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे, तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, एक्स ITI के माध्यम से करना चाहते हैं या फ्रेशर के माध्यम से करना चाहते हैं। तो आप जिस भी माध्यम से आप अपना जो यहाँ पे तौर पर आप अपना जो फॉर्म है वो आप फिल न करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्लिक आप कर देंगे कि एक्स ITI या फ्रेशर्स के तौर पर। हम फ्रेशर्स के तौर पर यहाँ भर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी फ़ोटो है वो आपको है अपलोड करनी होगी। तो आपकी फ़ोटो की साइज़ आपको देके रखिए, 200 KB है और JPG फॉर्मेट में अपनी फ़ोटो है वो अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना जो कैंडिडेट का नेम है वो आपको एंटर करना होगा। हमसे सैंपल के तौर पर डाटा डाल रहे हैं, आपको अपना जो भी एक्चुअल डाटा है वो आपको यहाँ डालना होगा। आपका जो भी फादर नेम है उसकी आप एंट्री करेंगे। आपका फादर नेम की एंट्री करने के बाद आपका जो भी मदर नेम है आप उसकी एंट्री यहाँ कर देंगे। इसके बाद आपकी यह नेशनलिटी है वो आप डाल देंगे। आपकी फैमिली में अगर कोई यहाँ पे जो आपके मदर या फादर है वो रेलवे कैंडिडेट हैं, तो आपको यहाँ पे रेजिग्नेशन है उनका नेम है वो आपको डालना होगा। नहीं यहाँ कोई वर्क करता है रेलवे में तो नो कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पे रजिस्टर्ड, अगर आप यहाँ पे तमिलनाडु एक्सचेंज में हैं तो आप यस करेंगे, नो कर देंगे। इसके बाद आपकी जो भी कम्युनिटी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप PH कैंडिडेट हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद आपकी यहाँ पे जो भी डेट ऑफ बर्थ है, तो कैलेंडर में से आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ चूज कर लेंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ आप जब ये चूज कर लेंगे, इसके बाद आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है वो आप डालेंगे, आपका जेंडर है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, आपका जो पैन कार्ड है उसका आप यहाँ पे पैन कार्ड नंबर आप यहाँ डालेंगे। इसके बाद आपका बॉडी पे अगर कोई मार्क्स है तो उस मार्क्स की आप यहाँ एंट्री करेंगे। तो दो ऑप्शन आपको देके रखे हैं, तो अगर आपकी बॉडी पे कोई मार्क्स है उनके आप एंट्री कर सकते हैं, नहीं आपकी कोई बॉडी पे मार्क्स तो आप 9 मार्क्स यहाँ एंट्री कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ सारी डिटेल है आपके यहाँ देख लेंगे, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसके बाद नेक्स्ट आप करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना जो रजिस्ट्रेशन पिन कोड है वो आपको यहाँ डालना होगा। तो आपका जो भी रजिस्ट्रेशन पिन कोड है उसके अकॉर्डिंग आपका जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, आपकी सिटी है, वो आपकी यहाँ आ जाएगी, आपका स्टेट आ जाएगा। तो आपका जो भी रजिस्ट्रेशन कोड है उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी यहाँ पे डिटेल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर आपको यहाँ पे आपके पिन कोड नंबर के अकॉर्डिंग आपकी ये जो डिटेल है वो आपकी नहीं आती है, तो आप इसे यहाँ पे अपनी जो रजिस्ट्रेशन पिन कोड है वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। अगर सही है तो आप अपना जो भी यहाँ एड्रेस है, तो आपका फुल एड्रेस की आपको यहाँ जो दो लाइन है वो आपको देके रखिए। तो अपने फुल एड्रेस को आपको यहाँ पे करंट जो आपका एड्रेस है उसकी आप यहाँ एंट्री आप कर देंगे। तो आपका जो भी फुल एड्रेस है उसकी आपको यहाँ एंट्री है वो आपको यहाँ करनी होगी। इसके बाद आपकी जो एंट्री आप यहाँ पे कर देंगे और आपके जो डिस्ट्रिक्ट है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका स्टेट है, वो सब आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। सभी डिटेल एक बार आप चेक कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आपका यहाँ पे ऑप्शन आता है PH कैंडिडेट का, तो आपका यहाँ पे अगर आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन में नॉट एप्लीकेबल करा है तो आपके ऑप्शन ऑटोमेटिक आपके यहाँ पे नॉट अप्लाई आएंगे। अगर आप PH कैटेगरी में आते हैं, आप डिटेल डालेंगे, इसके बाद नेक्स्ट आप कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको अपनी जो भी यहाँ क्वालिफिकेशन है वो आपको एंटर करनी होगी। तो आपको अपना जो 10th है, तो आपने यहाँ 10th है वो आपने SSCL से करा है, CBSC से करा है, या आपने MATR CSC करा है, या अदर से करा है, तो जिससे भी आपने 10th या पास करा है वो
सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपने जिससे भी आपने करा है वो आप यह सेलेक्ट कर सकते हैं, अदर पे है तो अदर भी आप यह डाल सकते हैं। आपका जो भी सर्टिफिकेट नंबर है वो आप एंटर करेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे जो भी पासिंग ईयर है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। आपके 10th में जो भी ऑप्टेन आपके मार्क्स यहाँ पे रहे हैं उनकी आपको एंट्री करनी होगी, और आपके जो भी यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स हैं उनकी आपको यहाँ एंट्री कर देनी है। तो आपको अपनी जो ऑप्टेन मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स हैं उनकी आप एंट्री करेंगे। आपका क्या गेट पॉइंट है, आपकी परसेंटेज है, वो आप एंटर कर देंगे। इसी तरह आपका जो 12th स्टैंडर्ड है तो उसकी आप यहाँ एंट्री करनी होगी। तो आपने यहाँ 12th है तो आपने 12th करिए, CBSE करिए, अदर करिए, तो वो आप एंट्री करेंगे। आपके बाद आपका जो भी सर्टिफिकेट नंबर है, पासिंग ईयर है, ऑप्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, परसेंटेज आप यहाँ डाल देंगे। अगर आपने यहाँ पे MLT कर रखा है तो आप यस करेंगे, MLT से अप्लाई कर रहे हैं तो आप यस करने के बाद आपका जो भी ट्रेड प्रेफरेंस है, आपका ऑप्शन, तो वो आप यहाँ पे ऑप्शन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपका जो भी ऑप्शन है यहाँ पे वो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप 6 आपको यहाँ पे ऑप्शन है वो आपको यहाँ दिए हुए हैं। इसके बाद सभी को आप यहाँ पे जब सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे इसको एक बार चेक करने के बाद क्लिक आपको कर देना है। तो सभी को आपको आपका ट्रेड जो यहाँ पे लॉटरी पॉइंट है इसको आपको सेलेक्ट कर देना है। जब आप ये इसे सेलेक्ट कर लेंगे इसके बाद आपको यहाँ पे इसे चेक एक बार जरूर कर लेना है। अगर आप यहाँ पे ITI से कर रहे हैं तो आप ITI की आपकी डिटेल है वो आप यहाँ भरेंगे, और हम यहाँ पे सीधा ही फ्रेशर के तौर पे भर रहे हैं तो आप फ्रेशर की डिटेल डालेंगे। इसके बाद आपको जो सारी डिटेल है वो आपको चेक करने के बाद डिक्लेयर आपको कर देना है। डिक्लेयर करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक हेयर टू OTP पे आपको क्लिक करना है। आपको एक OTP आएगा जिसे आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो क्लिक हेयर पे आप एक क्लिक करेंगे और आपको जो भी OTP आया है उसको आपको यहाँ एंटर कर देना है। जब आप यहाँ एंटर कर देंगे फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे आप चले जाएंगे, और आपको उसके बाद अगर आप यहाँ पे जनरल कैंडिडेट में आते हैं, आपकी फ़ीस यहाँ लगती है, तो आपको अपनी जो भी यह फीस है वो आपको पे फीस पे जाना है, और आपका जो भी रजिस्ट्रेशन ID है वो आप यहाँ डालेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और वैलिडेट या शीट पे आप यहाँ क्लिक कर देंगे, और आपका जो पेमेंट है वो आप यहाँ जमा करवा देंगे। इसमें आप अपनी जो नेट बैंकिंग है, वॉलेट है, जिससे भी अपना पेमेंट करना चाहते हैं आप पेमेंट कर लेंगे। इसके बाद आपका ऑप्शन आता है प्रिंट का, तो आपको यहाँ पे आपकी जो भी यह रजिस्ट्रेशन नंबर ID है वो आपको फिर से डालनी होगी, आपकी जो भी यहाँ डेट ऑफ बर्थ है वो आप डालेंगे। वैलिडेट योर प्रोसीड टू प्रिंट पर आप क्लिक करेंगे, और आप जब इस पर क्लिक कर देंगे आपको अपना प्रिंट लेकर फ्यूचर यूज के लिए संभाल के रख लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह जो आपका फॉर्म है कम्प्लीट हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।